एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है आज हमारे लेक्चर में और उसका वन पार्ट नंबर 1 मैंने हल कर दिया। एरिया आपको ये गिवन है, इस सारे पार्ट में वो बोलता है क्वेश्चन में कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, यानी ए है, बी है, सी है, डी है। ए अगर ये मैंने फार्मूला लिख दिया बताने, अगर बी होगा तो इधर बी 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 आ गया, सी होगा सी 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 आ गया। फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ उसके नेम चेंज हो जाएंगे। अब पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमेशा याद रखना है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये -6 आ गया। अगर ये 0 आ जाता तो ये सिंगुलर कहलाता और उधर ही लिखा जाता सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद हमने इसका एडजाइंट निकालना है। एडजाइंट तब निकालना है जब ये 0 नहीं होगा। अब एडजाइंट में क्या होता है, फर्स्ट और फोर वैल्यू की प्लेस यानी जगह चेंज हो जाती है, ये जगह चेंज होगी, और सेकंड और थर्ड की साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया। अब एडजाइंट ए भी आ गया, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। इन दोनों को आपने फार्मूले में लगाना है, ये मैंने लगा दिया। वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए, -6 को अंदर डिवाइड कर दिया, इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा।